हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडी पिक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल डबगर। तो दोस्तों, आज का वीडियो डार्क टोन फोटो एडिटिंग पर है। अपने फ़ोटो में डार्क मूडी इफ़ेक्ट कैसे लाते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइट वाले टूल्स में जाना। लाइट वाले टूल्स में जाके आपको -24 कर लेना है। यहाँ पे 24 कर लिया मैंने। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेना है, 9 पे रख लेना। हाईलाइट को -9 पे रख लेना, -9। शेडो को प्लस में रख लेंगे, 47। वाइट को -20 के आसपास रख लेना, -20। और ब्लैक को माइनस कर लेना, 16 पे रख लेना। और यहाँ ऊपर वाले टूल्स में कर्व में जाना है, तो ये वाइट कलर चूज कर लेना। इसका हम तीन बिंदु बनाएंगे, यहाँ एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ बराबर कर लेना। ये नीचे वाला बिंदु इसको ऊपर ले जाना है, थोड़ा इतना चलेगा। और ये नीचे ब्लू वाला है उस पर टच कर लेना। और ये बीच में से बिंदु करेंगे, इसको टच करके थोड़ा ऊपर ले जाना, जितना चलेगा। यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद ये कलर टूल्स में जाना है। कलर टूल्स में जाकर टेम्परेचर को आपको 11 पे रख देना है, 11। तो टिंट को थोड़ा कम कर लेना है, टिंट को -3 पे रख लेंगे हम। वाइब्रेंस को हम 16 पे रख लेंगे। सेचुरेशन को थोड़ा कम कर लेंगे, ज़्यादा कम नहीं करना, 1 पे रख लेना, 2 पे रख लो। मिक्स टूल्स में जाएंगे और रेड वाले को चूज़ करेंगे, फर्स्ट वाले को। रेड में 16 प्लस कर लेंगे, बढ़ा लेंगे इसको थोड़ा, ह्यू को बढ़ा लेंगे, सेचुरेशन को भी बढ़ा लेंगे थोड़ा। सेचुरेशन को 20 पे रखेंगे, 21 कर लेना। और लुमिनस को थोड़ा बढ़ा लेंगे, 2 पे रख लेना। और सेकेंड वाले ऑरेंज पे आ जाना है। ऑरेंज पे ह्यू को थोड़ा बढ़ा लेंगे, 11 पे कर लेंगे। बारह पे कर लेना। सेचुरेशन को बढ़ा लेंगे, 20 पे कर लेना। सेचुरेशन को आपको 20 पे कर लेना। और लुमिनस को थोड़ा बढ़ा लेना, 12 पे रख लेना। अब येल्लो में आ जाना है। येल्लो में ह्यू को प्लस पे कर लेना, माइनस पे कर लेना, माइनस में कर लेंगे ह्यू को। सेचुरेशन को भी माइनस में कर लेंगे, -30। और लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे, 10 पे कर लेंगे। अब ग्रीन पे आ जाना है। ग्रीन पे 0 पे रखना है, ह्यू को 0 पे रखना है। और सेचुरेशन को माइनस कर लेना है 100 पे। और लुमिनस को भी 0 पे रखना है। और आगे लाइट ब्लू पे आ जाते हैं। लाइट ब्लू पे ह्यू को भी 0 पे रखना है। और माइनस सेचुरेशन -86 पे कर लेना है। और नीचे वाले लुमिनस को भी 0 पे रखना है। और अब ब्लू पे आ जाते हैं। ब्लू पे आके ह्यू को 27 पे रखेंगे। और सेचुरेशन को 87 के आसपास रख लेंगे, 86 पे रख लेना। लुमिनस को -12 पे रख लेना। और ये आगे वाला कलर है, उसकी सेचुरेशन एकदम कम कर लेनी है। दो कलर की सेचुरेशन कम कर लेना। और यहाँ से डन कर लेना। डन करने के बाद आगे जाएंगे हम, इफेक्ट में जाएंगे। टेक्सचर को थोड़ा बढ़ा लेंगे, टेक्सचर को हम बढ़ाकर 1 पे रखेंगे। क्लियरिटी को 70 के आसपास रखेंगे, 71 कर लेंगे। डीएस को -6 पे ले जाना है। और विगनेट को 52 पे ले जाना है, विगनेट को। और मिड पॉइंट को -43 पे।
43 पे ले जाना। राउंडनेस को आप, राउंडनेस को थोड़ा 10 पे रख देना, ठीक है। अब इसके डिटेल में आ जाते हैं। डिटेल में आपको शार्पनिंग को 21 के आसपास रख लेना, 21 कर लेना। रेडियस को एक पे रहने लेना और डिटेल को 50 पे कर लेंगे। और नॉइस रेडिएशन को 7 पे कर लेंगे, डिटेल को 50 पे रखने देंगे। कॉन्ट्रास्ट को हम 52-55 पे रख लेंगे। कलर नॉइस रेडिएशन को हम 6 पे रखेंगे, डिटेल को हम 50 पे रख लेंगे और स्मूथनेस को भी हम 50 पे रख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ फ़ोटो बनके तैयार है, देख सकते हैं आप बिफोर ये आफ्टर, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।